कृष्णा, स्वागत है आप सभी का इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मांस खाना या मांसाहार किस प्रकार से विश्व की भूख के लिए उत्तरदायी है। हम सभी जानते हैं कि आज पूरे विश्व में भूख और कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस संसार में 3.6 सेकंड में कोई ना कोई भूख से मर रहा होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि विश्व में खाद्यान्न की कमी हो या कृषि योग्य भूमि की कमी हो। त्रासदी कहें या समस्या कहें तो वो ये है कि अधिकांश खाद्यान्न और कृषि योग्य भूमि उसका उपयोग तो औद्योगिक देशों के लोगों के विलासितापूर्ण जीवन के लिए पाले गए पशुधन और मांस उद्योगों के लिए हो जाता है। अर्थात जो कृषि योग्य भूमि है वो मांस उद्योग को समर्पित हो जाती है, जबकि लाखों लोग, लाखों बच्चे, वयस्क सब घोर गरीबी से पीड़ित हैं और भूख एवं कुपोषण से मर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि जो भूमि एक मांस खाने वाले को खिलाती है वो भूमि 20 शाकाहारियों को खिला सकती है। तो हम अंतर जान सकते हैं, अगर उस भूमि पर जिस पर मांस उत्पादन करने के लिए पशु पाले जा रहे हैं, अगर उस भूमि पर कृषि हो, तो आप विचार करके देखें कि अगर एक व्यक्ति ही शाकाहारी हो जाए तो वो 19 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, वो 19 लोगों के लिए कृषि योग्य जो भूमि है उसको मुक्त कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश जो भूमि है वो तो मांस उद्योगों को समर्पित हो जाती है, और उन मांस उद्योगों में जो पशुओं को प्रोटीन के लिए सोया, जवा, मक्का आदि जो खिलाए जाते हैं, अगर हम उसको देखें तो एक साल में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सोया, जवा, मक्का आदि खिलाया जाता है, इससे 1.3 मिलियन लोगों की भूख मिट सकती है। 1.3 मिलियन लोग उससे लाभ ले सकते हैं, अपनी भूख को मिटा सकते हैं। अगर 10% ही, केवल 10% ही अमेरिकी यदि शाकाहारी हो जाएं, तो उससे 12 मिलियन टन अनाज बचेगा, जिससे 20 मिलियन भूखे लोगों की भूख को मिटाया जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि मांसाहार की वजह से ही विश्व में खाद्यान्न की कमी हो जाती है, साथ ही साथ जल संरक्षण भी। तो हम देख सकते हैं कि जल संरक्षण भी तभी हो पाएगा जब हम शाकाहार को अपनाएंगे। जब हम शाकाहारी बनेंगे तो हम पर्यावरण को भी सुधार देंगे और अपने शारीरिक स्वास्थ्य उसको भी सुधार पाएंगे। अगर आज विश्व के सब लोग शाकाहारी बन जाएं तो आज भी विश्व में अनाज का, शाकाहारी भोजन का इतना उत्पादन है कि 10 अरब से भी ज्यादा लोगों को खिलाया जा सकता है, जो 2050 के अनुमानित जनसंख्या से भी ज्यादा है। अर्थात हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है, परंतु केवल मांसाहार की वजह से हम उस खाद्यान्न को यूज नहीं कर पा रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में बीफ के उत्पादन के 56% कृषि योग्य भूमि का उपयोग किया जाता है, और जो कि पूरे पृथ्वी पर 26% है। अगर इसी भूमि का उपयोग हम शाकाहारी भोजन के लिए करें तो कई सारे लोग उससे लाभ ले सकते हैं, कई सारे लोगों की भूख मिटाई जा सकती है। इसलिए शाकाहारी बने, कृष्ण प्रसादम ही लें। यदि हम शाकाहारी बनते हैं तो हम अपने शरीर का भी कल्याण करते हैं, हम अपने समाज का भी कल्याण करते हैं, हम अपने देश का भी कल्याण करते हैं, उन भूखे लोगों का जो भूख के कारण मर जाते हैं हम उनका भी कल्याण करते हैं, हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं, हम पर्यावरण का कल्याण करते हैं, हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, हम जल संरक्षण करते हैं। इसलिए शाकाहारी बनिए और कृष्ण प्रसादम पा करके प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।